नमस्कार दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटली वर्सेस कनाडा, इटली और कनाडा में क्या डिफरेंस है। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक के रिलेटेड बात करेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो अगर आपको किसी भी कंट्री के टूरिस्ट वीजा कह सकते हैं और स्टडी वीजा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तब भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इटली में जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है वो है इटालियन लैंग्वेज, और कनाडा में जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है तो वो है इंग्लिश। तो अगर आप इटली में आना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आकर यहाँ की जो लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी। तो अगर आपको पहले से इंग्लिश आती है तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कनाडा मूव होना। तो उसके बाद हम बात करते हैं इटली में जिस करेंसी का यूज किया जाता है वो है यूरो, और कनाडा में जिस करेंसी का यूज किया जाता है वो कैनेडियन डॉलर। और इटली में 1 यूरो का जो प्राइस है वो है 87 रुपीज, और कनाडा में कह सकते हैं 1 डॉलर का जो प्राइस है वो है 60 रुपीज। तो अब हम बात करते हैं इटली में जो सैलरी है वो कितनी है। इटली में जो सैलरी जो मंथली है वो है 1800 यूरो से स्टार्टिंग है लेबर बेस पर नॉर्थ इटली में। अगर आप साल की बात करें तो ये कोई तकरीबन कह सकते हैं 29,000 डॉलर, जो 29,000 डॉलर। और अगर कनाडा की बात करें तो एक साल की जो सैलरी है वहां पर जो इनकम कह सकते हैं औसत है लेबर बेस पर तो वो है 40,000 डॉलर। तो इन दोनों कंट्री में जो डिफरेंस है वो एक साल की जो सैलरी में तो वो यही है 11,000 डॉलर। तो दोनों कंट्री में कह सकते हैं जो एक्सपेंसिव है वो कितने हैं। तो इटली में कह सकते हैं जो घरों का कह सकते हैं जो प्राइस है, अगर आप खुद का घर रेंट पर लेना चाहती हैं सिंगल होम, तो उनका जो प्राइस है 580 डॉलर। और कनाडा में अगर आप खुद का घर कह सकती हैं रेंट पर लेना चाहती हैं सिंगल होम, वो कह सकती हैं 2500 से लेकर कह सकती हैं 4000 डॉलर तक भी आपको रेंट पे करना पड़ सकता है। तो जो 1700 डॉलर में ओनली कह सकते हैं आपको वहाँ की जो बेसमेंट है वो आपको अवेलेबल मिलती है। बट इटली में कह सकते हैं आपको छोटे छोटे जो विला वगैरह हैं कह सकते हैं छोटे छोटे ब्यूटीफुल घर है वो आपको ओनली कह सकते हैं 580 डॉलर से लेकर 700 डॉलर तक आप कह सकते हैं रेंट पे कर सकते हैं उनका। जो ग्रोसरी का खर्चा है तो वो कह सकते हैं 217 डॉलर पर पर्सन के हिसाब से एवरी मंथ। और कनाडा में अगर हम बात करें ग्रोसरी का खर्चा तो पर पर्सन के हिसाब से ये कोई 300 डॉलर। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। जो इटली में जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है पर मंथ के हिसाब से जो अगर आप पास बाय करते हैं तो वो है 50 डॉलर, और कनाडा में वही पास कह सकते हैं कॉस्ट है 120-130 डॉलर। तो इटली में जो इंटरनेट का जो कॉस्ट है, तो अगर आप घर में वाईफाई का भी यूज करते हैं अपने फोन में अनलिमिटेड सिम के थ्रू भी आप इंटरनेट यूज करते हैं तो टोटली जो कॉस्ट है वो है 50 डॉलर, 50 डॉलर। और कनाडा में यही अगर आप कह सकते हैं घर में वाईफाई का भी यूज करते हैं और अगर आपके फोन में सिम है वही आप टोटली कह सकते हैं 200 डॉलर कॉस्ट है। तो इस टाइम कह सकते हैं जो 1 यूरो का प्राइस है वो है 87 और जो 1 डॉलर का प्राइस है वो है 60। और इसके बाद हम अगर टोटली एक्सपेंसेस की बात करें तो इटली में कह सकते हैं जो 580 डॉलर रेंट हो गया, उसके एक्स्ट्रा कह सकते हैं 200 डॉलर कह सकते हैं ग्रोसरी का खर्चा हो गया, तो 50 डॉलर कह सकते हैं इंटरनेट के खर्चे हो गए, और ट्रांसपोर्ट के भी कह सकते हैं 50 डॉलर। जो टोटली हम बात करें तो ये कोई 1100 डॉलर। तो अगर हम कनाडा की बात करें तो तकरीबन आप कह सकते हैं अगर आप बेसमेंट में भी रहते हैं तो 1700 डॉलर आपका रेंट हो गया, तो 300 डॉलर आपकी ग्रोसरी होगी, 200 डॉलर आपका इंटरनेट का खर्चा हो गया, और 130 डॉलर जो कह सकते हैं आपकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो गया। तो टोटली हम बात करें तो यही कोई बनता है 2200 से 2300 डॉलर। और अगर आप मंथली इनकम की बात करें जो आपकी सेविंग है इटली में कह सकते हैं आप अगर सिंगल पर्सन आप रहते हैं इटली में तो आप कह सकते हैं 1500 डॉलर की सेविंग आप एवरी मंथ कर सकते हैं। जो अगर आप उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये कोई 90,000 रुपये। तो अगर आप कनाडा में आप रहते हैं सिंगल पर्सन अकेले पर्सन जॉब करते हैं और आपने एक घर रेंट पर लिया है बेसमेंट में अकेले रहते हैं तो आपकी जो बचत है कह सकते हैं जो टोटली खर्चा है मंथली वो है 2200 से 2300 डॉलर। अगर आप एक महीने में 4000 डॉलर भी कमाते हैं तो आपकी जो पीछे बचत है ये कोई 1400-1500 डॉलर। तो दोनों कंट्री में कह सकते हैं ये सेम बचत है, तो इतना डिफरेंस नहीं है। और ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग लेबर बेस पर काम करते हैं, और जिनके पास कोई स्किल है कोई अच्छे बेस पर काम कर रहे हैं, जैसे आप वेल्डिंग का काम जानते हैं, जो प्लम्बर का काम जानते हैं, या फिर आप इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हैं, तो किसी भी आप कह सकते हैं किसी भी फील्ड में आप कोई काम जानते हैं, उनकी सैलरी इनसे अलग है, उनकी सैलरी मोस्टली काफी ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं इटली बेस्ट है या कनाडा बेस्ट है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर मैं ये बताने वाला हूँ भी कौन सी कंट्री बेस्ट है। तो वैसे तो हर कोई कंट्री बेस्ट है, मैं कुछ इनके कुछ बेनिफिट और कैसे थे नुकसान बताने वाला हूँ। तो अब हम बात करने वाले हैं अगर आप इटली या कनाडा में अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वहां के जो टैक्स हैं जो गवर्नमेंट को पे करते हैं तो वो कितने हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं इटली में। जो इटली में अगर आप खुद का आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो अगर आपकी इनकम 15,000 यूरो तक है पर वीयर के हिसाब से, आपकी जो बचत है वो 15,000 यूरो है पर वीयर की, तो आप गवर्नमेंट जो टैक्स पे करते हैं वो करते हैं 23%। और अगर आपकी इनकम कह सकते हैं 15,000 यूरो से 28,000 यूरो तक है तो आपको गवर्नमेंट को पे करते हैं 28%। और अगर आपकी इनकम 28,000 यूरो से 85,000 यूरो के बीच में है तो कह सकते हैं पर वीयर में, तो कह सकते हैं एक साल में आपकी 28,000 यूरो से लेकर 85,000 यूरो के बीच में आपकी बचत है तो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं 33%, यानी कि 33%। अगर आपकी इनकम 85,000 यूरो से ऊपर है तो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं 43%। तो अब हम बात करते हैं कनाडा में, जो कनाडा में जो टैक्स है वो कितने हैं। तो कनाडा में हम बात करते हैं फेडरल इनकम टैक्स के रिलेटेड, कनाडा में $49,000 तक जो टैक्स है वो है 15%, और $49,000 से लेकर $98,000 तक $98,000 तक जो टैक्स है वो है 20%, और $98,000 से लेकर $1,50,000 तक जो टैक्स है वो है 23%, और $1,50,000 से लेकर $2,16,000 तक जो टैक्स है, यानी कि $1,50,000 से लेकर $2,16,000 तक जो टैक्स है, अगर आपकी एक साल में इतनी बचत है तो आप पे करते हैं गवर्नमेंट को 29%। और अगर आपकी बचत $2,16,000 से ऊपर है पर वीयर में तो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं 33%। इन दोनों कंट्री में अगर हम डिफरेंस लगाएं तो कनाडा ज्यादा बेस्ट है बिजनेस स्टार्टअप के लिए आपके लिए, क्योंकि इटली में जो टैक्स है वो काफी ज्यादा है। तो इसलिए अगर आप खुद का बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहते हैं, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा आप कनाडा चूज करें। जो इटली में कह सकते हैं जो वन पर्सन अगर जॉब करता है तो वो कह सकते हैं अपनी ऑल फैमिली को अच्छे तरीके से कह सकते हैं सर्वाइव करवा सकता है, कह सकते हैं रह सकते हैं, तो आपके इतना एक्सपेंसिव नहीं है इटली कनाडा के मुताबिक, ये मेरा कहने का मतलब है। और कनाडा इतना एक्सपेंसिव है भी अगर आप वहां पे सिंगल पर्सन जॉब करते हैं तो आप कह सकते हैं आपकी जो सैलरी है उससे आप सिर्फ घर के जो खर्चे हैं वो आप बड़ी मुश्किल से आप चला सकते हैं। इटली इतना एक्सपेंसिव नहीं है कनाडा के मुताबिक, क्योंकि इटली में आप कह सकते हैं आप खुद का कह सकते हैं सिंगल होम आप रेंट पर ले सकते हैं। कनाडा में अगर सिंगल होम आप रेंट पर लेते हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव है, काफी कॉस्टली है। तो इटली में घर लेना आसान है तो एक कनाडा के मुताबिक। और अब हम बात करते हैं इटली और कनाडा में अगर आप खुद का घर बाय करना चाहते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। इटली में अगर आप अपार्टमेंट में आप अपना घर बाय करना चाहते हैं तो उसका जो कह सकते हैं आप ओनली $60,000 से स्टार्टिंग है, तो वो आप पर डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है उस घर की, न्यू है या थोड़ा पुराना है। तो अगर आप कह सकते हैं आप विला बाय करना चाहते हैं इटली में तो वो आपको कह सकते हैं मोस्टली कह सकते हैं $2,00,000 में आप कह सकते हैं एक विला बाय कर सकते हैं तो इटली में। तो और इसके अपोजिट अगर हम कनाडा में बात करें तो जो नॉर्मली कह सकते हैं छोटे से छोटा जो घर है कनाडा में वो $5,00,000 से स्टार्टिंग है, तो $5,00,000 से लेकर $1,000,000 तक, जो कि कनाडा काफी मोस्ट एक्सपेंसिव है इटली के मुताबिक घरों में। तो अगर आप घर बाय करना चाहते हैं अपने खुद का, अब अकेले पर्सन आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए इटली बेस्ट है, इटली में जो घरों का जो कॉस्ट है काफी कम है। और अब हम बात करने वाले हैं इटली की जो लाइफ है, इटली का जो लाइफ और स्टैंडर्ड है वो काफी बढ़िया है कनाडा के मुताबिक। कनाडा में कह सकते हैं जो कह सकते हैं टेंशन है जो डिप्रेशन है वो काफी ज्यादा है, वहां पर कह सकते हैं आपको 10-12 hours कह सकते हैं डबल शिफ्ट आपको जॉब करनी पड़ेगी, बट इटली में आप ओनली कह सकते हैं 8 घंटे कह सकते हैं 8 hours आप जॉब करते हैं फैक्ट्री में या किसी भी जगह पर। तो कनाडा में आपको कह सकते हैं काम ज्यादा करना पड़ेगा एक तो, और कनाडा में कह सकते हैं जो मौसम है काफी ज्यादा कह सकते हैं स्नो पड़ती है वहां पर, ठंड रहती है ऑल ऑफ ईयर। तो इटली का जो मौसम है वो भी काफी बेस्ट है, इटली का मौसम सेम टू सेम आप कह सकते हैं इंडिया की तरह, बस यहाँ पे थोड़ा कह सकते हैं स्नो पड़ती है सर्दियों में और इंडिया में स्नो नहीं पड़ती, तो ये डिफरेंस है। इटली का जो मौसम है काफी बढ़िया है और कनाडा में काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, और कनाडा की जो लाइफ है काफी स्ट्रेस भरी है और इटली की लाइफ इतनी कह सकते हैं स्ट्रेस भरी नहीं है। तो आज के वीडियो में मेरा मकसद था आपको यहाँ के कह सकते हैं प्लस पॉइंट और कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट समझाने, तो आप पर डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री चूज करना चाहती हैं। तो मैं आपको फिर भी एक बार फिर बता दूं, अगर आप यूरोप में किसी भी कंट्री में आना चाहती हैं जर्मन में आ गए तो आपको वहां की डच लैंग्वेज आनी काफी जरूरी है, अगर फ्रेंच में जाते हैं तो फ्रांस में जाते हैं तो आपको फ्रेंच लैंग्वेज आनी जरूरी है, अगर आप पुर्तगाल में जाते हैं तो आपको पुर्तगाल लैंग्वेज आनी जरूरी है, अगर आप इटली में आते हैं तो आपको इटालियन आनी काफी जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।